अजमत पहला बाल कराएगा जी, पहला ओवर सट्टेगा, इधरों जर फेस करेगा ते गुलजार आया नाल, गुलजार दे ओपन दे पहली बाल जी। पहली बाल ते ही जी ऊंची शॉट और कैच छोड़ दिया। बिलाल लेफ्टी की टीम ने, फील्डर ने कैच छोड़ दिया, दो स्कोर। पहले ओवर दी दूसरी बाल वास्ते आया जी अजमत, दूसरी बाल और दूसरी बाल ते फिर ऊंचा खेले लेकिन कैच का चांस नहीं बन रहा। इस दौरान बैट्समैन जी दो स्कोर मुकम्मल की थी, दो बालों से चार स्कोर हो गई है। तीसरी बाल वास्ते आ रहा अजमत जी, तीसरी बाल की थी और तीसरी बाल लेग साइड वाल खेल दी है जर ने, डीप स्क्वेयर लेग ते, और थ्रो दे पहुँचद्या पहुँचद्या जी सिर्फ दो रन तक इतफा करना पवेगा बैट्समैन। चौथी बाल वास्ते आ रहा जी अजमत, तिना बालों से छे स्कोर और चौथी बाल से उठा के खेल दिया हाई इन द स्काई, फील्डर्स बाल के नीचे और कैच पकड़ लिया, कालो ने कैच पकड़ लिया। विकी की टीम को एक ज़बरदस्त झटका मिला जी, जार अपनी टीम की उम्मीदों के महवर हैं, अभी बॉलिंग में इनका एक्शन देखना होगा। चार बाल जी, पंजवीं बाल वास्ते आए अजमत, बैटिंग वास्ते काश ही आए ने बीट बाल जी। अजमत दी हुण तक बहुत ही अच्छी बॉलिंग, जार ने जिन्हिया भी शाटा लाने की कोशिश की थी मिस सिटा हुई ने और अपनी विकेट भी देख जा चुके जार। आखिरी बाल जी ओवर दी, बैट नू लगी है लेकिन नहीं, सिंगल स्कोर भी नहीं मिल सकी। एक ओवर ते छे स्कोर, एक ओवर छे स्कोर ते एक आउट, जार आउट हो चुके हैं। बिलाल लेफ्टी की टीम को बड़ा वड्डा चांस है मैच ते हावी होने का, लेकिन उधर भी बैटिंग बहुत तगड़ी है। भाई गुलजार एक तजर्बाकार ते पुराने अच्छे बैट्समैन ने। बिलाल लेफ्टी आया जी दूसरे ओवर करन, पहली बाल कराएगा, पहली बाल ते और कैच छोड़ दिया अजमत ने, कैच छोड़ दिया लेकिन रन आउट का चांस, और रन आउट का चांस भी मिस कर दिता, स्कोर कोई भी नहीं बनया। पहली बाल तो बहुत ज़्यादा फंबलिंग जी, बहुत ही ज़्यादा ड्रामा वेखन मिले इतने। एक जोरदार हिट और बाउंड्री लाइन के अंदर ठप्पा लगा, चार रन। दूसरी बाल से जी लाले गुलजार ने चार स्कोर हासिल कर लिए, दो बालों से दस स्कोर हो गया। तीसरी गेंद कराएगा जी बिलाल लेफ्टी, दो गेंदा दस स्कोर हो चुकी है। पहली बाल का ड्रामा तो वेख्या जिमें मैच का आगाज होया, जिस ड्रामाई तरीके दे नाल अंदाज दे विच उम्मीद है मैच पूरा थ्रिलिंग होएगा। बिलाल की टीम भी लड़ते हैं, बिलाल आया गेंद कराई और जोरदार हिट और कैच, गुलजार की विकेट जी बिलाल लेफ्टी ने कट ली है और कैच भी बहुत अच्छा फील्डर ने पकड़े है। बिलाल लेफ्टी की टीम मैच के उत्ते अपनी ग्रिप मजबूत कर दिया हुआ। मैच के दौरान जी चुटकले भी चल रहे हैं, इस बाल तो बाद गल होएगी। बिलाल लेफ्टी आ रहा चौथी बाल करन वास्ते, चौथी बाल उन्हें काशी नू की थी, काशी की लेग साइड से हिट, फील्डर गेंद की तरफ जाते हैं, गेंद नू गेंद पकड़ के जी थ्रो की है फील्डर ने, इस दौरान दो स्कोर लग गया जी। वैस अंदर आ रहा जी बैटिंग वास्ते, तो वैस ने कहा कि बड़े खुश हो हूँ तुम, तो जफर ने कहा नहीं जी असी खुश तो नहीं, तो जो हम तुम मौके दवो तो असी की कर सकते हैं। चुटकले भी चल रहे नाल नाल। पंजवीं बाल वास्ते आएगा जी बिलाल लेफ्टी, आया बाल की थी और काशी दी एक तेज़ हिट और ओडी ही अच्छी फील्डिंग, सीधी फील्डर के उपर गई, बहुत अच्छी फील्ड प्लेसमेंट की थी है जी बिलाल ने। पूरा मैच नू समझ के खेल रहे ने, हुण आ गए जी सामने फेस करेंगे वैस साहब। दूसरे ओवर की आखिरी बाल आएगी, तीसरे ओवर की पहली गेंद करन वास्ते अजमत, तीसरा ओवर करेगा अजमत, पहली गेंद वास्ते आया जी, काशी फेस करेगा बैटिंग वास्ते, हुण विकास भाई खुद आए ने। पहली बाल ते काशी का जोरदार छक्का, अगली बाल ते जी एक परफेक्ट यारकर जेडी के विकटा तो नहीं उड़ा सकी, लेकिन काशी ने उन्होंने बैट नाल स्टॉप किया, कोई रन नहीं बनया। सॉरी जी थोड़ा लेट हो गया, तीसरी बाल बीट हो गई है, काशी ने बीट कर दी है अजमत की तीसरी बाल, तीन बाल और उन्नीस स्कोर, उन्नीस स्कोर है ना, तीन बालों से उन्नीस स्कोर हो चुकी है जी। चौथी बाल वास्ते जी अजमत आया, काशी फेस करेगा, अजमत ने बाल की थी और काशी एक दफा फिर बीट, बहुत ही नाकस प्लानिंग दे नाल बैटिंग की थी जा रही है जी, हर बाल नू हिट करन वास्ते जा रहा काशी और नाकाम हो रहा है। पहली बाल ते छे लगन तो बाद ओवर दे विच इना थोड़ा स्कोर जेड़ा बहुत गलत बात है। पंजवीं बाल वास्ते आ रहा जी अजमत,
पंजवी बाल की थी और काशी दी एक जोरदार हिट और फिर एक जबरदस्त छक्का काशी दी तरफों। तीसरे ओवर दी जी लास्ट बाल है और एक और जोरदार हिट काशी दा एक और छक्का। तीनों ओवरों तो बाद जी स्कोर पहुंच चुके हैं 31। तीन छक्के लगे हैं जी इस ओवर च, पहली बाल तो छक्का, तीन बाला बीट और आखिरी दो बाला तो फिर दो छक्के। 31 स्कोर, तीन ओवर और आउट हो चुके हैं जी तीन मेन बैट्समैन के आउट होने के बावजूद स्कोर तीनों ओवर 10 की एवरेज तो अप कर चुके हैं जी। सॉरी जी इस बाल तो छक्का होया, थोड़ा जहा रौला पिया सी, छक्का होया इस बाल से। चौथे ओवर वास्ते बलाल लैफ्ट ही आया, पहली बाल और पहली बाल लैग तो बहुत गंदी बाल, पहली बाल से जोरदार हिट और चार रन जी चौका मिलिया जी विकास भाई नू पहली बाल से। चौथे ओवर की दूसरी बाल वास्ते आया जी और भाई विकास की एक जबरदस्त हिट, छे रन, दो बालों से 10 स्कोर ले लिया जी, 41 स्कोर हो गया। वड्डा मैच हो रहा जी, एक दफा फिर मैच जिहड़ा भाई विकास की टीम का पलड़ा भारी हो चुके है। तीसरी बाल वास्ते आया जी बलाल लैफ्ट ही और तीसरी बाल वाइड कर दी है, स्कोर पहुंच गया 42 से, तीन ओवर दो गेंदा 42 स्कोर, तीन आउट। एक और जबरदस्त शॉट और चार रन जी, सॉरी एक छक्का सी जिन्हों मैं चौका गिनिया सी विच, स्कोर स्कोर कितना हो गया 48 3.3 48 3 आउट। मैच काफ़ी हद तक जी अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है भाई विकास ने। सॉरी थोड़ी लेट हो गई है जी, ए बाल तुसी बालर दे हाथ छुट दी और बैट्समैन खेडद नहीं वेख सके, लेकिन एक सिंगल हुई है, 59 स्कोर हो गया जी। अगली बाल भी इसे वीडियो जी तुहानू वेखन नू मिलेगी। तीन ओवर चार बाला हो चुकी हैं, तीन ओवर ते पंजवीं बाल वास्ते आ रहे ने बलाल लैफ्ट और काशी दी जोरदार शॉट, फील्डर के लिए कैच का मौका और कैच हो गया जी, आउट हो गया, अच्छा कैच लिया फील्डर ने, लेकिन काशी जी अपनी जाप पूरी कर गया। तीन ओवर पांच गेंदा 49 स्कोर ते ऐ जी लास्ट बाल दे एक और जोरदार छक्का, चार ओवर से 55 स्कोर, विकास भाई जी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बहुत ही महंगा ओवर साबित होया बलाल लैफ्टी का, जिड्डी तगड़ी बॉलिंग है विकास भाई दे कोल, मैच का 5-7 पलट छड़िया उन्हें। कालो जी बालर की कमी है, कालो आया बॉलिंग कराने वास्ते, उदा थोड़ा जहा रौला सी कि वह थ्रो करता जिदी वजह तो पहली गेंद नहीं कैप्चर हो सकी, तीन स्कोर लगी वो पहली बाल से, विकास भाई की मेहरबानी उन्हें थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया, लियाकत के ना होने बड़ा वाजे फर्क नज़र आता पे जी लियाकत की गैर मौजूदगी। विकास भाई की एक जोरदार हिट जिहड़ा कि कैच वास्ते उठाया और बहुत ही नलायक फील्डर विशाल जग जिन्हों पता ही नहीं लगा कि बैट्समैन खेल चुके हैं और गेंद मेरी तरफ आँदी है भाई, दो स्कोर कंप्लीट हुई जी। तीसरी बाल वास्ते जी कालो तीसरी बाल कराएगा वाइड बॉल, हुण तक दो बालों के 6 स्कोर लग चुके हैं जी, 61 है, चार ओवर दो गेंदा के 61 स्कोर हो चुके हैं। कालो अपनी तीसरी बाल कराएगा और तीसरी बाल कालो दी बीट हो गई जी विकास भाई को, चौथी बाल कराएगा जी, चौथी बाल का जोरदार स्टेट से कमाल का छक्का, कालो जी अपनी चौथी बाल करेगा, आखिरी ओवर की चौथी बाल, चौथी बाल का भी जोरदार छक्का जी, विकी आज तो जी 6-7 साल पुरानी बैटिंग कर दिया हुआ, शानदार छक्के वेखन मिले ने विकी की तरफों। लास्ट बाल जी आखिरी ओवर दी और लास्ट बाल से बीट हुई है गेंद, विकेट नु किस करके आई है लेकिन विल्जा नहीं गिरी, टारगेट 74 का टारगेट है जी, बहुत वड्डा स्कोर है जी जिवें दी बॉलिंग है उन्होंने कोल। पहली बाल करेगा जी जर सरवर, बलाल लैफ्टी फेस करेगा, 74 का टारगेट जी इन्हें चेज करना है, आए पहली बाल की थी और पहली बाल बहुत ही शानदार बाल लेकिन वाइड बाल करार दे दी गई, अंपायर की तरफों वाइड बाल और विकेट कीपर कह रहे हैं कि वाइड बाल नहीं। दूसरी बाल आए जी, दूसरी बाल बीट, बहुत ही शानदार तेज तरीन बाल
ਬਲਾਲ ਲੈਫਟੀ ਦਾ ਬੈਟ ਹੀ ਲੇਟ ਸੀ ਜੀ। ਜ਼ਰ ਦੀ ਪੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੀ ਪੇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਵੈਸ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਲ ਆਈ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੈਰ ਹਸਨ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਜ਼ਰ ਨੂੰ। ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਦੇ ਏਡੇ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣ 'ਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰ ਦੀ ਪੇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੀਸਰੀ ਬਾਲ ਜੀ, ਜ਼ਰ ਆਇਆ ਗੇਂਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੀਟ ਬਾਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਲ। ਚੌਥੀ ਬਾਲ ਜੀ ਜ਼ਰ ਸਰਵਰ ਦੀ ਵਾਈਡ ਬਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਲ। ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਜੀ ਜ਼ਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਵੀ ਬੀਟ ਬਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਓਵਰ। ਇੱਕ ਓਵਰ ਕਿੰਨੀ ਸਕੋਰ? ਇੱਕ ਓਵਰ 2 ਸਕੋਰ ਜੀ। ਬਾਈ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਓਵਰ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਓਵਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਔਰ ਬਲਾਲ ਲੈਫਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਕਾਸ ਬਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬਾਲਿੰਗ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਇੰਜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਸੇ ਗਿਰਾ ਖਜੂਰ ਮੇਂ ਅਟਕਾ। ਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੈਦਰ ਬਾਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਦਰ ਬਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਓਵਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਬਾਲ ਜੀ, ਬਲਾਲ ਲੈਫਟੀ ਆਇਆ ਗੇਂਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਵੈਸ ਦੀ ਸ਼ਾਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਮਿਸ ਹਿੱਟ ਔਰ ਕੈਚ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੈਟਸਮੈਨ ਢੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਤਗੜੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਜੀ। ਬਲਾਲ ਲੈਫਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਲਰ ਔਰ ਫੀਲਡਰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਸ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਉਸ ਕੈਚ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਚ ਜ਼ਰ ਦਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਲ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਲ ਵਾਈਡ ਬਾਲ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈਦਰ ਬਾਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਲ, ਪੇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬੀਟ ਬਾਲ। ਤੀਸਰੀ ਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੀ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਬਾਲ ਵੀ ਵਾਈਡ, ਸੋਰੀ ਬੀਟ ਬਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਲਿੰਗ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਬਾਲਿੰਗ ਲਾਈਨ। ਹੈਦਰ ਬਾਈ ਏਜਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈਦਰ ਬਾਈ ਔਰ ਚੌਥੀ ਬਾਲ ਤਾਂ ਬੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਲ ਬੀਟ ਕਰਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਚੁਟਕਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲੀ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੈਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਸ ਤਾਰੜ ਆਂਡਾ, ਵੈਸ ਤਾਰੜ ਆਂਡਾ, ਆਪਣੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੀ ਕੱਢ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਏਡੇ ਮਤਲਬ ਬਈ ਤਗੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਐ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਰੀ। ਅਜ਼ਮਤ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਲਾਲ ਲੈਫਟੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜ਼ਮਤ ਆਇਆ। ਹੈਦਰ ਬਾਈ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਹੈਦਰ ਬਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਲ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਲਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆਪਣਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੰਜਰਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਜ਼ਮਤ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹਿੱਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੋਰ ਕਾਫੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੈਦਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫੇਰ। ਹੈਦਰ ਬਾਈ ਆਏ, ਬਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਜ਼ਮਤ ਸਿਰਫ ਬੈਟ ਨਾਲ ਬੈਟ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਿਆ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਰਨ। ਤੀਸਰੇ ਓਵਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਓਵਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਸਿੱਧੀ ਆ ਕੇ ਪਾਉਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਬੈਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੇ ਓਵਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਲ ਜੀ, ਅਜ਼ਮਤ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਟ ਬਾਲ। ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਆਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਬੀਟ ਬਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ ਹੈ, ਬੈਟਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਟ ਬਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਜੀ ਬਲਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਚ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਲਿਆਕਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਚ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਸ਼ੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਪੇਸਰ ਚੌਥਾ ਓਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਬੀਟ ਬਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਿੰਗਲ ਸਕੋਰ। 3 ਓਵਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ 5 ਸਕੋਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ 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 ਅੱਛਾ ਸਪੈਲ ਹੈਦਰ ਔਰ ਜ਼ਰ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਲਾਲ ਲੈਫਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ।
अच्छी आया दूसरी बाल वास्ते, दूसरी बाल की थी बैठते लई जी स्नेक को होके और सिंगल स्कोर उमेर भाई ने सिर्फ एक स्कोर ही लई है जी, खुद फेस करन दा इरादा कीता है। तीसरी बाल भी बीट कर दी थी यार काशी ने, काशी भी बहुत बहुत अच्छी जी बॉलिंग कर दे आया। हाँ जी उमेर हसन भाई जेडे सुबह बड़ी फार्म च नज़र आ रहे सन, हुण मायूस कुन कारकर्दगी दिखा रहे हैं जी। गुलजार भाई आए ने पंजवा ओवर करन वास्ते, पंजवें ओवर की पहली बाल ते जी सिंगल स्कोर लगी है और दूसरी बाल बीट हो गई है। मेरे ख्याल नाल पहला ओवर मैच है, पहली इनिंग है इस टूरनामेंट की जिदे कोई बाउंड्री नहीं लगी ते पूरे पूरे जोर दे नाल खेली है जी टीम विकास दी, आउट क्लास कर दिता जी लियाकत दी टीम नू, बिलाल लेफ्टी दी टीम नू। तीसरी बाल तक सिंगल लाई है जी विशाल जग ने, लास्ट बाल ऑफ द लीग और बीट बाल गुलजार भाई बैटिंग दी तरह बॉलिंग भी आई है काफ़ी ठीक ने और मैच ओवर हो गया जी, बिलाल लेफ्टी दी टीम मैच हार गई है। ऐ जी विनिंग साइड है जिन्हों मोटू भी मुबारकबाद दे रहे हैं और रनर अप साइड है अजमत हारे हुए लश्कर का जितया हुआ सिपाही, बिलाल लेफ्टी की वजह तो मैच हथों निकलिया तीसरे ओवर जाके चौथे ओवर च सॉरी। ऐ जी नामात ने जेडे इन्हों दिते जाएंगे, प्रेजेंटेशन सरमनी शुरू हो गई है। इमरान भाई खिजर भाई लूजर टीम नू मैडल पहना रहे हैं, सब तो पहला हसन भाई आए ने, टूरनामेंट जजी परफॉर्मेंस रही लेकिन फाइनल से बहुत मायूस कुन। उस तो बाद दूसरा प्लेयर आया जी हीरो बाबरी बस्ती नाल तलक इहदा, उस तो बाद बिलाल आया जी मैडल रिसीव करने वास्ते अच्छी कारकर्दगी ओवरऑल टूरनामेंट च, लेकिन फाइनल च मायूस कुन परफॉर्मेंस रही है। चलो इस तो बाद विशाल अहमद आया फाइनल की टीम का प्लेयर से, अजमत आया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने रही है, बॉलर सन इन्हों के मेन वो जनाब लूजर टीम ने अर्जमंद आया ये भी बाबरी बस्ती ने चला गया था, फाइनल की टीम का प्लेयर से अजमत आया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने रही है, बॉलर सन इन्हों के मेन वो जनाब लूजर टीम ने अर्जमंद आया ये भी बाबरी बस्ती ने चला गया था, टीम जी है वो आई मैडल रिसीव करना तो सब तो पहले आए ने आकाश, फाइनल की मैच बहुत अच्छी कारकर्दगी रही इन्हों की, काशी पेसर के नाम तो जाने जाते हैं बहुत अच्छा लो जनाब 500 का नाम ही मिलया खिजर विरक साहब की तरफों अच्छी कारकर्दगी का। इस तो बाद वह सरवर साहब आए ने टीम दे चिरे मोरे लो भाई गुलजार आए ने पहले मैच तो लाया कि इन्हों की अच्छी बैटिंग सी ओपनिंग बैट्समैन हैं, टीम जी है वो आई मैडल रिसीव करना तो सब तो पहले आए ने आकाश, फाइनल की मैच बहुत अच्छी कारकर्दगी रही इन्हों की, काशी पेसर के नाम तो जाने जाते हैं बहुत अच्छा लो जनाब 500 का नाम ही मिलया खिजर विरक साहब की तरफों अच्छी कारकर्दगी का। इस तो बाद वह सरवर साहब आए ने टीम दे चिरे मोरे लो भाई गुलजार आए ने पहले मैच तो लाया कि इन्हों की अच्छी बैटिंग सी ओपनिंग बैट्समैन हैं, आए ने हाले इंजर्ड सन फिर भी उन्हें बहुत अच्छी बोलिंग की है, वो जनाब इन्हों भी इनाम मिले जार आया जनाब मैन ऑफ द टूरनामेंट प्लेयर ऑफ द टूरनामेंट लो जनाब खिजा विरक साहब की तरफों 500 रुपया नाम जार वास्ते भी, गुलरेज भाई की तरफों भी जनाब 1000 रुपया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन्हों की क्वालीफायर वन च अज के मैच, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। विकास भाई आए ना जनाब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जनाब, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल के 500 का नाम इन्हों भी मिले। अच्छा जी हूँ फाइनल मैन ऑफ द मैच हो गए, फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच विकास भाई
दसा बालों से 37 स्कोर बनाई है, बहुत बहुत शानदार इनिंग खेली है। टीम बहुत मुश्किल में सी, इस तो बावजूद उन्हें जनाब बहुत अच्छी इनिंग खेली है। मैन ऑफ द मैच भाई अंसर दे हाथों रिसीव करेंगे, शानदार परफॉर्मेंस। बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जनाब मोहम्मद अज़हर नदीम भट्टी को नाम रिसीव करेंगे। रनर नहीं सी है, उसके बावजूद भी स्टार्ट दे ओवरों में काफ़ी ग्रिप कर ली मैच से, लेकिन मैच लूज कर गए ने। इन्हों की यह भी बड़ी हिम्मत है फाइनल तक पहुँचने। एक ऐसी टीम सी हर कोई कह रहा है कि टूरनामेंट तो बाहर है, प्ले ऑफ भी नहीं खेलेगी, लेकिन फाइनल खेल गए ने। बिलाल लेफ्टी साहब कोर्ट का टूरनामेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है स्पेशली बिलाल दी, लूजर टीम के कैप्टन। इधर विरक साहब की तरफों लूजर टीम को भी इनाम, फाइनल भी मैन ऑफ द मैच ने। थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी इन्हां दी टीम खेली है जी, अनबीटन रही है, बिल्कुल जी वन साइडेड मैच खेल रहा है। भाई अंसर ते किधर विरक साहब, भाई अंसर ते किधर विरक साहब, अपने जो खेलने मुंडे ग्राउंड च नहीं आते उन्होंने वापस ग्राउंड च लैके आईए, और अल्लाह का शुक्र है छोटे जे टूरनामेंट बड़े थ्रिलिंग मैचेस हुए ने, बड़ा तमाशाइया भी इंजॉय किया, और अल्लाह का शुक्र है असीं सारा पिंड इस मकसद च कामयाब रहे हैं। बहुत जल सारे लड़के ग्राउंड च मौजूद ने होना और बहुत अच्छा खेलते रहे, इंशाल्लाह इनू कैरी ऑन करांगे इंशाल्लाह। और इतवार नू असीं एक नवी सीरीज शुरू कर रहे हैं, पेरोचक सीनियर्स और पेरोचक जूनियर्स, इन्हां दोनों छोटा जिहा पिंड लैवल ते टूरनामेंट कराया सी कि सानू ग्राउंड मिली है उहदे तों फायदा उठाइए, अपने जिहड़े खेलण वाले मुंडे ग्राउंड च नहीं आउंदे उन्हां नू वापस ग्राउंड च लैके आईए, और अल्लाह का शुक्र है छोटे जे टूरनामेंट दे विच बड़े थ्रिलिंग मैचेस होए ने, बड़ा तमाशाइया भी इंजॉय किया, और अल्लाह का शुक्र है असी सारा पिंड इस मकसद च कामयाब रहे हैं। बहुत जल सारे लड़के ग्राउंड च मौजूद ने होना और बहुत अच्छा खेलते रहे, इंशाल्लाह इनू कैरी ऑन करांगे इंशाल्लाह। और इतवार नू असी एक नवी सीरीज शुरू कर रहे हैं, पेरोचक सीनियर्स और पेरोचक जूनियर्स, इन्हां दोनों जिहदे विच बैट्समैन बालर फील्डर हर बंदा खुल के खेल सकेगा, वारी मिलेगी बॉलिंग मिलेगी, हर बंदा अपने टैलेंट नू शो कर सकेगा, ये वास्ते सीरीज़ करा रहे हैं। और सीनियर और जूनियर दोनों की सपोर्ट की सानू जरूरत है, दोनों नू चाहिए टाइम सर ग्राउंड च आउण और मैच खेलण, इंशाल्लाह इनू कामयाब भी करांगे। और 11 साइड है, और ये 11 साइड है, 7 साइड नहीं है, 11 साइड। 10 ओवर का मैच होना टाइम नाल शुरू होना चाहिए,